नेक्स्ट 2024 का एग्जामिनेशन आप सभी को जरूर फिल आउट करना चाहिए। जो बच्चे खासकर जेई एस्पायरेंट है उनके पास जेई मेन के थ्रू एनआईटी IIIT GFTI पाने का मौका होता है। साथ ही में आपका एडवांस है आपका मोस्टली रहता है IIT, इसके अलावा आपका IISc जो कि स्पेस साइंस के लिए बहुत ही अच्छा है, उसके अलावा आपका RGIPT IIP IISc बैंगलोर, उसके अलावा जो बच्चे IIT का एग्जाम देते हैं उससे आपका आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं उससे आपका आईसर में, उसके अलावा ये भी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो कि आपका नेक्स्ट 2024 एग्जामिनेशन है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सब डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा। इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग नेक्स्ट, कब आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, सब डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो को, पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, क्योंकि रिगार्डिंग नेस्ट हो गया आईसर हो गया इस चैनल पे आपको पूरी बातें मिल जाएंगी। अभी आपको एक प्लेसमेंट का वीडियो आ रहा है, कैसे इसको आपको करना चाहिए प्रिपेयर, हर चीज की वीडियो आ रही है, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के साथ लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, आप अपने सारे आप डाउट पूछ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 12/2024 है तो भी आप अपीयरिंग होंगे या फिर 2022-23 ये बच्चे एलिजिबल हैं, उन बच्चों का 60% से ऊपर आना चाहिए। अगर आप जनरल OBC वाले ST वाले बच्चों के लिए 55% है ना, आपकी नेक्स्ट में मेरिट लिस्ट आएगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब डिस्कस करने वाला इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट से आपके दो कॉलेज मिलते हैं, आपका नाइसर भुवनेश्वर जो कि अपना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, होमी बाबा जो कि आप जानते होंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इसमें 200 सीट्स होती हैं। आपका नाइसर यहां पे आपका अगर एडमिशन होता है तो आपको पर मंथ 5,000 रुपीज स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो आप खुद सोचिए आपको पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं, खुद सोचिए कितनी अच्छी बात है। एंड यहाँ से आपके साइंटिस्ट हो गए, इसके अलावा आपका बार्क में हो गया, इसके अलावा देख सकते हो अबाउट UMCBS, एक आपका एडमिशन नाइसर में होता है, आपका CBS मुंबई में होता है, CBS मुंबई आपकी 150 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मुंबई से उसके अकॉर्डिंग आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपके यहाँ TFR बार्क IIT के टीचर्स वगैरह साइंटिस्ट वगैरह पूरा पढ़ाते हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, मात्र 57 सीट्स है, यहाँ पे आपके 200 सीट्स है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप बैकअप के लिए ये भी लेके चलिए। बैकअप क्या, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, आपके पास कहने का मतलब IIT मिल रहा है, आपको NIT मिल रहा है, IIIT मिल रहा है, आईसर मिल रहा है, नाइस नेस्ट मिल रहा है, नाइसर मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन रहेगा जो बेस्ट ऑप्शन होगा आप ले लीजिएगा। बट अभी कब से फॉर्म अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग अभी आपका अपडेट आने वाली है, बहुत जल्दी आ जाएगी, जब भी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड साथ ही अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए PCMB का तो आप मुझे इस वीडियो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ डिटेल में। साथ ही मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का इंडिविजुअल स्ट्रेटजी वीडियो भी आ रहा हूँ, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कि भैया इसका कैसे क्या होता है एग्जामिनेशन पैटर्न, अगर आपको कुछ चीज़ें जाननी है मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपलीकेशन फॉर्म जब भी ओपन होता है कैसे फिल आउट करना है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग नेक्स्ट इस वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा कॉलेज है जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।